एक्सरसाइज में देखो 1 to 15 प्रीवियस क्लास, नहीं 1 to 11 कराया था। हाँ तो आज से 12 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, वही चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दे रखा A1, A2, A3, A4, A5, A6 और फिर फाइनली A1, रेगुलर हेक्सागन के साइड से मान। अब इसमें हम लोगों को एक्स कंपोनेंट लिखना है और रिजल्टेंट 6 वेक्टर का 0 है, इसको हम लोग एक तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं और हम लोग एक्स कंपोनेंट भी लिखेंगे। तो सिंपली हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही यूज करेंगे। पहला हमारा साइड A1 कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये A1 हमारा 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, A2 60 डिग्री, A3 120 डिग्री, A4 180 डिग्री, 60 ऐड करो 240, 60 ऐड करो 300 होगा, यस नो। अब स्टार्ट कर रहे हैं, सबका वेक्टर सम, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो पहले A1 सबके मैग्नीट्यूड को ए मान लें, कितना एंगल 0, कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जे, A2 ए हो गया कॉस 60 डिग्री आई का, साइन 60 डिग्री जे का, अगेन ए कॉस 120 आई का प्लस साइन 120 डिग्री जे का प्लस ए कॉस 180 आई कैप साइन 180 जे कैप प्लस A5 240 है तो ए कॉस 240 डिग्री आई कैप साइन 240 डिग्री जे कैप और लास्ट वाला ए 300 तो कॉस 300 डिग्री आई कैप और साइन 300 डिग्री जे कैप। ठीक, अब सबका सम करो, कॉस 0 का वैल्यू 1 तो ए आई कैप बचा, सेकेंड वाले टर्म में कॉस 60 1/2 आई कैप, साइन 60 √3/2 जे कैप, कॉस 120 -1/2 आई कैप, साइन 120 √3/2 जे कैप, कॉस 180 -1 तो ए माइनस आई, साइन 180 0, कॉस 240 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो -1/2 आई कैप, साइन आल्सो नेगेटिव, कॉस 300 60 का वैल्यू 1/2, साइन 300 -√3/2। बोलो क्लियर, यस नो। अब देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, सारा वैल्यू कैंसिल हो रहा है, चेक करो सब लोग, हो रहा है कैंसिल, यही हमको प्रूफ करना है, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट, एक्स वाले भी कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां पर कहता है कि यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज ऑफ टू वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई कर लेना है। अब इसी को 60 को पाई बाय 3 लिखा है या 2π/3 लिखा है, 3π/3 मतलब पाई हो गया,
फोर पाई बाई थ्री देखो, फोर इंटू 180 बाई थ्री 240 आ गया, और कॉस 5 पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा, 5 इंटू 180 बाई थ्री 300, वही वैल्यू लिया है। आ गया समझ में? यस नो? इरेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल अब ये 13 14 15 16 सबका आंसर एक साथ लिख दिया, बार बार कट करने में दिक्कत आ रही थी, साइज छोटा हो जा रहा था। अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसी से एंगल निकालते हैं। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए का वैल्यू डाल दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट, b का वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a अंडर रूट i कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर तो 4 प्लस j कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 9 यह 16, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 9 हो गया, यह 16 हो गया, यह 25। ठीक, ऊपर i डॉट i 1 तो 6 हो गए, j डॉट j 1 12 हो गए, k डॉट k 1 20 हो गया, नीचे कितने आ गए अंडर रूट ये 29, चेक करो ये कितने आ गए रूट 50, ऊपर वाला पार्ट कितना आ गया 38, नीचे वाला पार्ट 29 इंटू 50, जल्दी बताओ कितने आ गए 1450। तो कॉस थीटा का वैल्यू 38 बाई रूट 1450, देन थीटा बिकम्स कॉस इनवर्स 38 बाई रूट 1450। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, सिंपली ए वेक्टर एज्यूम कर लो, बी वेक्टर एज्यूम कर लो, ए वेक्टर सपोज ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, बी वैक्टर को एज्यूम कर लिया बी वन
आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप, और हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा रखा आप लोगों को। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, कॉपी में देखो कैसे बताया था डिटरमिनेंट के मेथड से, पहले ए के सारे आई जे के का कोफिशियंट लिखेंगे। तो यहां पर ये ए वन, ए टू, ए थ्री, फिर रिपीट है ए, तो ए वन, ए टू, ए थ्री, नेक्स्ट है बी वन, बी टू, बी थ्री। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ए वन लेंगे तो इसके सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो ए टू, बी टू, ए थ्री, बी थ्री, माइनस ए टू, ए टू जब लेंगे तो इसके सामने के एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो ए वन, बी वन, ए थ्री, बी थ्री, प्लस के कैप, ओ सॉरी के कैप नहीं, ए थ्री है, ए थ्री, ए थ्री के सामने एलिमेंट को छोड़ दिया, ए वन, बी वन, ए टू, बी टू। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए टू, बी थ्री, ए टू, बी थ्री, माइनस बी टू, ए थ्री, माइनस ए टू, ए वन, बी थ्री, माइनस बी वन, ए थ्री, प्लस ए थ्री, ए वन, बी टू, माइनस बी वन, ए टू। चलो सबको मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो रहा है सब एक दूसरे से, ए वन, ए टू, बी थ्री, माइनस ए वन, बी टू, ए थ्री, माइनस ए वन, ए टू, बी थ्री, प्लस ए टू, ए थ्री, बी वन, प्लस ए थ्री, ए वन, बी टू, माइनस ए थ्री, बी वन, ए टू। सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ए वन, ए टू, बी थ्री, ए वन, ए टू, बी थ्री से कैंसिल हो गया, ए वन, बी टू, ए थ्री, ये से कैंसिल हो गया और ये से कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर जीरो, यही प्रूफ करना था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए क्रॉस बी निकालना है, बहुत इजी है, डिटरमिनेंट के मेथड से निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड, ये सिंपली हम लोग डिटरमिनेंट मेथड, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ए में जितने भी आई वन, आई जे के कोफिशियंट है वो ले लेंगे, तो ये टू, थ्री, फोर हो गया। फिर बी वेक्टर में जो भी आई जे के का कोफिशियंट है, फोर, थ्री, टू, एक्सपैंड कर देंगे, आई, आई के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, थ्री, थ्री, फोर, टू। फिर माइनस दे के आप, ये टू, फोर, फोर, टू, प्लस के कैप, के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ दिया, टू, फोर, थ्री, थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आई कैप, थ्री इंटू टू, सिक्स, माइनस ट्वेल्व, माइनस जे कैप, फोर हो गया, माइनस सिक्सटीन, प्लस के कैप, सिक्स हो गया, माइनस ट्वेल्व,
तो ये माइनस सिक्स आई कैप और ये कितने आ गए 12, तो प्लस 12 जे कैप माइनस सिक्स के कैप, यही आंसर 15 का। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कहता शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, तो सी वेक्टर को आप लिख सकते हो सपोज इसका मैग्नीट्यूड सी और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर अलोंग जेड एक्सिस है तो के क्या आप लिख देते हैं, और ए बी ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सपोज ए क्रॉस बी ये कुछ भी मैग्नीट्यूड मान लो इसका डी ही मान लो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस तो माइनस के कैप। अब ये दोनों के बीच का एंगल या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो कहता सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ध्यान दो सी का मैग्नीट्यूड सी के कैप ले लिया, क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डी ले लिया माइनस के कैप, के क्रॉस के क्या होता है जीरो, जीरो प्रूफ हो गया। अब कहता इज द कन्वर्स ट्रू, तो यहां पर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए, या ऐसा भी हो सकता था कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते, तो दोनों पैरेलल वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हमने कहा कि ये ए और बी वेक्टर का ये प्लेन है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड डी मान लिया और ये किस एक्सिस में लाई करेगा नेगेटिव जेड एक्सिस, नहीं भूल गए क्वाड्रेंट सारा भूल गए, और ये एक्स है ये वाई है ये पॉजिटिव जेड है तो ये नेगेटिव जेड होगा, किधर पॉजिटिव में होगा, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, अरे तो एक क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस के भी जीरो, के क्रॉस माइनस के भी जीरो, इसलिए दोनों ऑप्शन लिख दिया हमने, या तो दोनों ये डी और सी पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, देखो ना फिगर कन्वर्स को लेके चल रहे हैं, तो यहां पर ये सी वेक्टर और जो डी निकाला या तो एंटी पैरेलल हो जाए या पैरेलल हो जाए, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, नहीं होंगे, पैरेलल इज नॉट परपेंडिकुलर, इसलिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, कहता है अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक। तो मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, वी इसका स्पीड है। एट ए सर्टेन टाइम इट इज एट ए पॉइंट पी ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। मान लो कहीं ये पी पॉइंट पर है, इनिशियली ये कहीं पर भी था, ए पॉइंट पर था। ओ इज ए फिक्स्ड पॉइंट, इसका मतलब ओ यहां पर कहीं एक पॉइंट फिक्स है, उसी के रिस्पेक्ट में ये है। तो यहां से हम ओ से ए एक लाइन को ज्वाइन कर दे और इसको ज्वाइन कर दे। क्यों? क्योंकि ओपी वैक्टर, ओपी ओ से पी वैक्टर और वी वैक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको एंगल थीटा मान लें। जब थीटा मान लेंगे तो ये साइड हमारा क्या होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी साइन थीटा। इसलिए ओए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपी साइन थीटा। अब हम लोग यूज कर ले ओपी क्रॉस वी, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, साइन थीटा, एन कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक। अब यहां पर देखो ओपी साइन थीटा क्या दे रहा वैल्यू, ओ ए दे रहा है। इसका मतलब ये ओ ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है और ये वी दे रहा है और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या दे रहा है, एन कैप। इट मींस इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लेंगे तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ गया, ओनली ओ ए इन टू वी। क्लियर? क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं भी ओपी है, नहीं है, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी। क्लियर? यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, रेस करें। चले क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज गिवन बाय। यहां पर फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या फोर्स का एक्सप्रेशन है, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू V क्रॉस B। अब कहता सपोज E इज अलोंग द X एक्सिस, E वेक्टर X के अलोंग एक्ट कर रहा है एंड B अलोंग Y एक्सिस, ये Y है, B वेक्टर अलोंग Y एक्सिस, इन what डायरेक्शन एंड विद what स्पीड We should a positive charge particle be sent so that the net force on it zero. ठीक, अब कहता है कि velocity का direction क्या होगा और उसका magnitude क्या होगा जिससे कि net force
जीरो लगे। ध्यान दो, इसका मतलब ध्यान दोगे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा कंपोनेंट जिधर हम वेलोसिटी का ले जिसपे वो मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी हो, तभी नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी किधर होगा? ऑब्वियसली अलोंग जेड एक्सिस। ठीक, अब कहता है नेट फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो कर दिया, क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में ये क्यू ही आ गया, माइनस क्यू वी क्रॉस बी, मतलब ऐसे जो रिजल्ट आया वैलो, क्यू और क्यू कैंसिल होगा। ठीक, मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, तो क्या आ गया, क्यू और क्यू कैंसिल इज इक्वल टू वी इंटू बी, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई बाई बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ई बाई बी। डायरेक्शन क्या आ गया, अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेट फोर्स तभी जीरो होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी डिफाइन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस डिफाइंड है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट वो लेना होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड पर भी हो, इसलिए जेड एक्सिस। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कोई ऐसा एग्जांपल दे जिससे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी सी डॉट बी हो, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं हो। बहुत इजी, ये सब पढ़ा हुआ है। मान लो हमने सिंपल ए वेक्टर इधर कर दिया और बी वेक्टर परपेंडिकुलर कर दिया, इसका मतलब ए डॉट बी जीरो हो गया इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अब हम थर्ड सी लें, ध्यान दो, लेकिन बी के डायरेक्शन को आप बदल नहीं सकते, ले लिया, अब सी इधर ले ले, क्यों इधर लिया, ये भी परपेंडिकुलर होगा तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो देगा, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, तो सी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये तो प्रूफ हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी। ठीक, और अब आप गौर से देखो, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और सी का डायरेक्शन ये है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, मैग्नीट्यूड में भी सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू सी, यही प्रूफ करना था।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में कहता है ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्राफ को ड्रॉ करना है और फिर टेंजेंट भी बनाना है और स्लोप भी ड्रॉ करना है। सिंपल, ये एक तरह से आपको जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। वैल्यू डालते जाए और ड्रॉ करते जाए। एक्स एक्सिस पर आप वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10। अब यहां पर वाई का वैल्यू 2 है, 8 है, 18। ये तो सब काम 10th में कर ही रखा है, वही काम करना है। 98, 128, 162 और 200। अब सबके वैल्यू को मिला दो। अब देखो 1 से 2 कौन साइड किया, ये पॉइंट हो गया 24। ये सारे वैल्यू देखो 3 के अकॉर्डिंग 18 है, 4 के अकॉर्डिंग 32 है, ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग 50 है। तो ग्राफ पेपर पे सही से ड्रॉ होगा। 6 है 98, 7 से 8, इस तरह से वैल्यू आ रहा, सारे वैल्यू आप डाल। अब यहां पर कहता है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ऑब्वियसली इसका स्लोप tan थीटा होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो dy by dx क्या बन गया, 4x हो जाएगा। और इसी स्लोप को हम लोग tan थीटा कहते हैं। अब स्लोप जब ड्रॉ करना होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यदि स्लोप ड्रॉ करना है तो उस कंडीशन में हम लोग कोई भी दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो पॉइंट, ये लाइन जो बन गया, मान लो ऐसा लाइन बना, एक एग्जम्पशन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट बना लेंगे, कलर बदल देते हैं। तो टेंजेंट खींचेंगे, दो लाइन को ऐसे मिला देंगे और एक्स एक्सिस से मिला देंगे और ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा हो गया। इसी तरह से यहां पर दो पॉइंट ले लिया, ये कर्व है, टेंजेंट खींच दिया और इसको हम एक्स एक्सिस से मिला दिए, ये एंगल थीटा 1 सपोज हो गया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगेन यहां भी टेंजेंट खींच दिया, जैसे कर्व ऐसे जा रहा है, खींच दिया टेंजेंट, फिर इसको एक्स एक्सिस से मिला दिया, ये एंगल अलग बना लिया, मान लो थीटा 2, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस पर तभी तो वाई मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा हम लोगों को डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई, और इधर एक्स का चेंज इन वैल्यू डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स मिलेगा, तभी तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का रेशियो नहीं, वो तो वैल्यू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये तो ये वैल्यू आ गया, 1 डालो तो 2 आ रहा है, 2 डाल रहे हो तो 8 आ रहा है, तो वो कर्व ड्रॉ हो गया, ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन से कर्व बनेगा। अब इस कर्व पे टेंजेंट बनाना है, ये कर्व बन गया, इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में x का वैल्यू 1 डाला तो y इज इक्वल टू देखो कितना गया 2, फिर x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू 8 आ गया। अब ये ऐसे कर बन गया। अब कहता है इस पर टेंजेंट बना लेने के लिए, तो दो पॉइंट कंसिडर किया,
टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना, तो ये हमें डेल्टा वाई दे दिया और ये हमें क्या दे दिया, डेल्टा एक्स दे दिया। इसका मतलब टैन थीटा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आया समझ में? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, कहता इफ x चेंजेस फ्रॉम, x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो y का भी वैल्यू चेंज होगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया भाई, y प्लस डेल्टा y। और x चेंज कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x। तो कहता चेंज निकालने के लिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये कितना आ गया वैल्यू, एक्स प्लस डेल्टा एक्स मींस पाई बाई थ्री प्लस हंड्रेड, सॉरी प्लस पाई बाई हंड्रेड, और ये कितना है पाई बाई थ्री। अब इसका वैल्यू निकालो रेडियन में और टेबल से देखना होगा, टेबल से वैल्यू देख करके साइन पाई बाई थ्री कितने आते हैं 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू। इसी तरह से इसका वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही वैल्यू करीब करीब कैलकुलेट करके आता 0.0157। हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्योर डिफरेंशिएशन यूज है। क्वेश्चन नंबर 22, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर, कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसको हम डीटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होगा और फिर एक्सपोनेंशियल के जो पावर है टाइम का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई हो गया और पहला जो हम लोगों को ए पार्ट निकालना है, ए पार्ट में कहता है कि डी आई बाई डी टी तब निकालिए जब टी का वैल्यू जीरो है,
तो ये आई नॉट ई टू द पावर माइनस जीरो इंटू माइनस वन बाई सी आर ई टू द पावर जीरो वन इट मींस माइनस आई नॉट बाई सी आर हो जाएगा। यही 22 का ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है यही वैल्यू निकालना है डी आई बाई डी टी व्हेन टी इज इक्वल टू सी आर। चलो नोट कर, वो सिस्टम हैंग कर गया, दोबारा से यहां तक नोट कर लो फिर दोबारा से आते। क्वेश्चन नंबर 22 ही याद रखना। हो गया, रीस्टार्ट कर रहे हैं, वो सिस्टम हैंग कर गया। आजकल हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है ना, ये भी पूरा हीट हो जाता है। 600 वॉट के अप्रोक्स इसका है। चलो, इसका हम लोगों ने आई डी आई बाई डी टी निकाल रखा था, तो ए पार्ट तो सॉल्व कर रखा था। डी आई बाई डी टी का वैल्यू आदर्श बताओ कितना है, आई नॉट ए टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर इंटू माइनस वन बाई सी आर। अब बी पार्ट है तो डी आई बाई डी टी निकालना है when t is equal to cr, I not e to the power minus cr by cr, minus 1 by cr, तो cr by cr 1 हो गया, e to the power minus 1, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, e 1 by reciprocal में चला गया, तो minus I not सीआर नीचे है इंटू ई, ऐसे थर्ड में डाल दो 10 सीआर डी आई बाई डी टी। एट टी इज इक्वल टू 10 सीआर वैल्यू डालते जाओ, जितने भी जंगल में सीआर हैं सब नजर आ जाएंगे। तो 10 सीआर बाय सीआर माइनस 1 बाय सीआर, तो आई नॉट ए टू द पावर माइनस 10 माइनस 1 बाय सीआर, आई नॉट e टू दी पावर 10 इंटू सी आर, एसी का आंसर है। हो गया,
सिर्फ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितना पढ़ा है बेसिक उसी का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, आप करंट के फॉर्म है, करंट के फॉर्म में दे रखा आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस टी बाई सी आर, ठीक। फाइंड द करंट एट, सिंपल है, आई नॉट का वैल्यू पुट कर दो, पहले आई नॉट का वैल्यू है 2 एम्पियर, ए टू दी पावर माइनस टी, टी है, पहले सी आर को सॉल्व कर लो, सी इन टू आर 0.5 माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6, और रेजिस्टेंस हो गया 6 इंटू 10 पावर 5, तो आई इज इक्वल टू 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाई, ये कितने आ गए 3, और ये 10 पावर माइनस 1, जल्दी से बताओ 0 पॉइंट, नीचे वाला पार्ट कितना बना, नीचे वाला पार्ट कितना बना 0.3, कंफर्म। चलो गलती हो गई तो तुम जिम्मेदार हो। अब कहता करंट का वैल्यू फाइंड करना आई व्हेन टी इज इक्वल टू 0.3, तो 2 ई टू दी पावर माइनस 0.3 डिवाइड बाय 0.3, तो 2 ई टू दी पावर माइनस 1 2 बाई ई एम्पियर आ गया, यही आंसर है। पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलना। अब सेकेंड वाले पार्ट में कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चाहिए, अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हो गया ये पार्ट, चलो बी पार्ट में डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, तो ये 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाई 0.3 हो गया इंटू कोफिशियंट माइनस 1 बाई 0.3, देखो कितना आ गया, देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, और टी का वैल्यू इसमें पुट कर देना 0.3, 2 ई टू दी पावर माइनस 0.3 बाई 0.3 इंटू माइनस 1 बाई 0.3, तो माइनस साइन आ गया, ये 1 हो गया, तो रेसिप्रोकल में चला गया ये, बोलो 0.3 को 3 कर दिया 10 ऊपर, तो 2 माइनस 20 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर। सी पार्ट में क्या कहता है, सी पार्ट में इसी का सी पार्ट है, वो क्या कह रहा है, करंट निकालना है जब टाइम पीरियड 0.31 है, तो ये 2 ई टू दी पावर माइनस 0.31 बाई 0.3 यही है, तो 0.31 बाई 0.3, देखो कैलकुलेट करके कितना आता है, 0.31 डिवाइडेड बाय 0.3 1.03 के आसपास है।
अप्रोक्सीमेटली द करेंट एट 0.3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट होना चाहिए ना, ये भी तो सेम वैल्यू आ रहा है, एक मिनट, 0.31 टाइम सेकेंड कहता है, 0.31 और डिवाइड बाय देखो तो 0.31 डिवाइड बाय 0.3 कितना आ रहा है, 0.31 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये बताते कैसे आता, घबराए नहीं, एक्सपोनेंशियल होता है 2.7, एक्सपोनेंशियल एक मिनट, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है 2.7, ठीक है बिल्कुल सही, 2.7। तो यहां पर ये 2 × e−0.1 के आसपास आएगा, 1.03 ये आ रहा है, इसका मतलब ये 2 × e−1.03 ठीक, टाइम्स इंडिपेंडेंट हो गया है। और यहां पर ये वैल्यू 2 / 2.7 whole to the power 1.03, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगा इस फॉर्म में, वो तो लेंदी कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 23 हो गया, रेज करें, क्वेश्चन नंबर 24, एरिया बाउंडेड क्या बताया था जल्दी से बताओ, एक्स एक्सिस पर है तो क्या एरिया का फॉर्मूला था, गुड, और एक्स का वैल्यू लिमिट कितना है भाई 5 to 10, वाई का वैल्यू डाल दो 3x² + 6x + 7 dx 5 to 10, इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 5 to 10, 6 का बाहर कर दो, x का x²/2 5 to 10 + 7 dx का इंटीग्रेशन x 5 to 10, 3 और 3 कैंसिल, 10³ - 5³, ये 3 हो गए, 10² - 5² हो गया 7, 10 - 5, जल्दी से बताओ कितना हुआ सॉल्व करके क्विक, ये बताओ कितने हो गए जल्दी बताओ ना, 1000 में से 5 चला गया, अच्छा
875, चलो ठीक है। ये कितने आ गए, 100 में से 25, 75 इंटू 3 225, चलो ठीक। और ये 5 इंटू 7 35, देखो कितने आ गए, ये 1100 हो गए, तो 1135 यही आंसर है। हो गया, चलो 24 तक हो गया। बहुत कम क्वेश्चन रह गए, कितने क्वेश्चन रह गए, अब 10 क्वेश्चन है, कल खत्म हो जाएगा। कल 10 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव उसके साथ ऐड कर देंगे, बाद में शॉर्ट टाइप कर देंगे।